बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 37 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, यानी कि किसी भी जुर्म की तशकील करने के लिए उसके जो एक्ट्स होते हैं उनमें से किसी एक एक्ट में उस शख्स का तआवुन करना, उसके साथ कोऑपरेट करना। When an offence is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offence by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offence. यानी कि जब कोई जुर्म मुख्तलिफ एक्ट्स के जरिए किया जाता है और कोई शख्स इस जुर्म की तश्कील के लिए जानते बूझते उसमें ताउन करता है और इन एक्ट्स में से कोई एक एक्ट करता है, चाहे वो अकेला करता है और चाहे वो किसी के साथ मिलकर करता है, तो इसका ऐसे ताउन करना और ऐसा एक्ट करना जुर्म के जिम्मे में आएगा। यानी कि ऐसी सोच में ऐसा शख्स भी जो एक्ट में मदद करता है वो भी जुर्म का इर्तकाब करता है। इसको हम एक मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी दो अफराद हैं, दोनों इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि वो दोनों मिलकर सी को थोड़ा थोड़ा जहर देंगे ताकि वो हलाक हो जाए। अब इस मिसाल में ए और बी इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और उनकी जो नीयत है वो ये है कि वो सी को हलाक कर दें, यानी कि उसका मर्डर कर दें। अब ए और बी मुख्तलिफ औकात में सी को जहर देते रहते हैं और इन बहुत सारी खुराकों का असर ये होता है कि आखिरकार सी की मौत वाकई हो जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी जानते बूझते एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं ताकि वो सी को कत्ल कर सकें। अब चूंकि दोनों से हर एक ऐसा फेल करता है जिससे हलाकत वाकई हुई है, इसलिए दोनों जुर्म के कसूरवार होंगे। हालांकि इनके जो एक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरे के साथ ताउन किया, इन्होंने एक्स किए और इनकी नीयत थी कि वो सी को मार दें, इसलिए दोनों इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। अब इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी दो जेलर हैं जिनकी ड्यूटी उस जेल में 6-6 घंटे बाद बदल जाती है। अब वहां पर जो शख्स है जिसका नाम जेड है उसको ये लोग मानना चाहते हैं जो कि जेल में बंद है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंशनली कोऑपरेट करते हैं और उसको जो खाना खिलाने का टाइम होता है उसको वो खाना नहीं पहुंचाते, उसको खाना नहीं खिलाते। जब ए की ड्यूटी होती है तो वो उसको खाना नहीं खिलाता और जब बी की ड्यूटी होती है तो वो उसको खाना नहीं खिलाता। इस तरह ये दोनों इलीगली ओमिट कर जाते हैं। इस दौरान भूख की वजह से जेड की मौत वाकई हो जाती है जो कि फाके से मर जाता है। अब इस कत्ल में ए और बी दोनों बराबर के शरीक हैं। अब अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इस सेक्शन के दो मेन इंग्रेडिएंट्स बनते हैं कि जुर्म का इतकाब करने वाले अफराद की आपस में इंटेंशनली कोऑपरेशन होनी चाहिए, उनका आपस में तामुन होना चाहिए और वो अपनी अपनी हद तक कोई ना कोई एक्ट या ऑमिशन करें, चाहे वो अकेले करें चाहे वो दूसरे के साथ मिलकर करें। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।